मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक HP की ऑल इन वन मशीन आई है। ये आप देखोगे IPS बेजल लेस स्क्रीन है। स्क्रीन नहीं है, ये ऑल इन वन मशीन है, पूरी प्रॉपर कंप्यूटर है ये। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही स्लो चल रहा है। जैसे कि हमने ऑन किया हुआ है अब तक, इसमें डिस्प्ले तो आ गया है, ये अभी विंडो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे खोलते हैं और इसमें हमें SSD लगानी है, इसमें हम SSD कैसे इंस्टॉल करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो हम आपको दिखाते हैं इसको कैसे खोलते हैं। सबसे पहले मशीन को बंद कर लेते हैं। हमने कीबोर्ड माउस नहीं लगाया तो इसको हम डायरेक्ट ही पावर से हटा देते हैं। हम नीचे की तरफ में जो ये इसका बेजल की नीचे आपका बॉटम की तरफ में एक फ्लैप होता है, उसको खोलते हैं। फ्लैप को किसी ट्वीजर वगैरह से या ओपनर से खोलना होता है उसको। उसके नीचे कुछ स्क्रू होते हैं, आप देखोगे यहाँ पे इसमें स्क्रू हैं, ये स्क्रू हैं इसमें, जो हमें ये दो स्क्रू खोलने हैं। ये हमारा स्टैंड बार निकल गया है। बेजल के आगे का ये खुलते खोल लेते हैं। ये हमारा खुल गया है, जिसके यहाँ पे आप देखोगे स्क्रू लगे हुए हैं, इस पर हमारी स्क्रीन फिट होती है। इसको हम इजी से खोल लेते हैं। ये सारे स्क्रू खोल लेते हैं हम इसके ऑल इन वन के। ये हमारे सारे स्क्रू खुल गए हैं मशीन के। अब हम इस मशीन को धीरे से उठाएंगे।
हमारा इतना खुल गया है तो उसके बाद हम बताते हैं इसको, हम स्किन को ऐसे नहीं उबारेंगे बिल्कुल, इसमें लॉक होते हैं। सबसे पहले हम जो ये हमारा ओपनर होता है ये लॉक, अब हमने इसमें यहाँ पे दिया ये लॉक खुल गया, थोड़ा सा आगे दिया ये लॉक खुल गया, अब ऐसे ही हम करते करते पूरी स्क्रीन पे ये लॉक खुल जाता है, ये लॉकिंग सिस्टम पे होती है। इसको हम ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारा स्क्रीन टूटने का भी खतरा रहता है, धीरे धीरे से हम इसके लॉक खोल देंगे तो हमारी स्क्रीन इस तरीके से बाहर आ जाएगी। आपने देखा ये ऑल इन वन की स्क्रीन बाहर आ गई है, इसमें ये कनेक्टर होता है, हम इस कनेक्टर को भी बाहर निकाल देते हैं तो हमारी पूरी स्क्रीन बाहर निकल जाएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।